नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन दिनों एक शब्द बड़ा चलन में है, बुलडोजर मामा। बुलडोजर मामा इन दिनों फॉर्म में है और बुलडोजर मामा सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा जा रहा है। जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता उनके पोस्टर भी लगा रहे हैं और बड़े शहरों में बुलडोजर मामा, जहाँ भी बुलडोजर दिखता है बस बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बुलडोजर मामा के नाम से नारे लगाने लगते हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जो लोग अवैध अतिक्रमण पर कब्जा किए हुए हैं, जो अपराधी किस्म के आदमी हैं, उन पर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना कड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ राजगढ़ में हुआ है। राजगढ़ में लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और उनके घर को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अपराधी किस्म के आदमी हैं और हम राजगढ़ में कहां पर बुलडोजर मामा ने कार्रवाई की है, कौन सी जगह पर कार्रवाई की है, इसकी पूरी डिटेल भी आपको देंगे। बहरहाल ये जो शब्द है बुलडोजर मामा, ये बुलडोजर बाबा से बना है, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री जो अपराधी किस्म के व्यक्तित्व थे उन पर कार्रवाई करना शुरू की थी और उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता था। और अभी हाल ही में जब चुनाव हुए तो बुलडोजर बाबा जो नाम था वो काफ़ी चलन में था और उसके बाद आए बुलडोजर मामा, यानी कि चुनाव से ठीक पहले बुलडोजर मामा का नाम भी चलन में चल पड़ा है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हो जाए पंचायत चुनाव के बाद, तो बुलडोजर मामा का चलन अभी से चल पड़ा है। लगातार बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। बहरहाल राजगढ़ में, राजगढ़ की धरती पर जीरापुर में 3 करोड़ की अतिक्रमण वाली जो प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरों में आप देख लीजिए किस तरह से बुलडोजर चलाया गया है और उस धरती जो अतिक्रमण वाली धरती थी उस पर मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर चला है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर मामा का उपयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस नाम का उपयोग एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। एक बुलडोजर चला राजगढ़ जिले में शाखा जागीर में, जो अपराधी था वो अपराधी पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिएगा। सुनील नाम था अपराधी का और उसके घर को भी नेस्तनाबूद कर दिया क्योंकि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति था। तो कलेक्टर हर्ष दीक्षित की अगुवाई में ही जीरापुर में कार्रवाई हुई थी। उनके ऑफिशियल पेज पर हमने जाकर देखा तो ये तमाम सारे फ़ोटो उनके ऑफिशियल पेज पर हमें मिले। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, राजगढ़ में भी कार्रवाई होने लगी है अवैध जगहों पर। अभी कई जगहों पर कार्रवाई होना बाकी है लेकिन लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा का उपयोग करते हुए, उस नाम को हाईलाइट करते हुए बुलडोजर चला रहे हैं अपराधी किस्म के व्यक्तियों के ऊपर। और ये कुछ गलत काम नहीं है लेकिन चुनाव से पहले भाजपा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो चलन में आता है और अभी आ रहा है बुलडोजर मामा। हो सकता है आने वाले समय में इस मुद्दे को, इस नाम को इतना बड़ा कर लिया जाए कि उस नाम के बलबूते पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाला चुनाव जीते। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझिए कि राजगढ़ में जो अतिक्रमण से मुक्त जो धरती हुई है, अतिक्रमणकारियों पर जो बुलडोजर चली है, उसके पीछे की ये कहानी है कि आने वाले समय में चुनाव है। और ये ना केवल राजगढ़ में, इंदौर में भी हमने देखा, LIG मुख्य चौराहे वहाँ पर अन्नपूर्णा कपड़ा भंडार था, अन्नपूर्णा गारमेंट्स पर भी पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। वो एक उदाहरण है जो वायरल हुआ था, अन्नपूर्णा का जो ध्वस्त किया गया था पूरा का पूरा मकान, वो एक उदाहरण है जो इंदौर में है। ऐसे कई जिलों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्रवाई की जा रही है और लगातार बुलडोजर से घर को मिटाया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो अवैध अतिक्रमण में अपना घर बनाते हैं, उनके साथ ऐसा होना भी चाहिए और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कर भी रहे हैं। कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने उनकी अगुवाई में पूरी की पूरी टीम, तहसीलदार, जो भी कानून व्यवस्था के जो भी कानून अधिकारी हैं वो, और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, 3 करोड़ की भूमि की को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और 3 से ज़्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको
हमारी जो वीडियोस है वो आप लोग शेयर करेंगे तो हमें मनोबल मिलता है कि हम इसी तरह की वीडियो बनाएं, जानकारी से भरी वीडियो बनाएं। और ज़मीनी मुद्दे हम लगातार चला रहे हैं, हम लगातार, अगर आप आपके गांव में कोई ज़मीनी मुद्दे की कोई कमी हो तो हम लगातार उसको उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वो बंद कर दिया है। आपके गाँव में कोई कमी लगे तो हमें भी बताइएगा, हम उस पर आकर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के बयान लेंगे और फिर हमारे चैनल पर डालेंगे। ये आपका ही मंच है, मारो राजगढ़ आपका ही चैनल है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।